नगर निगम के ऑटो डी पर खरीद घोटाले में नगर निगम के तत्कालीन महापौर सुरेश कुमार के विरुद्ध निगरानी का शिकंजा कसने जा रहा है। नगर निगम एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने मुजफ्फरपुर के तत्कालीन महापौर सुरेश कुमार के विरुद्ध अधियोजन चलाने की अनुशंसा की है। उक्त प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री सुरेश कुमार शर्मा का भी अनुमोदन प्राप्त है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव से महापौर सुरेश कुमार के विरुद्ध अधियोजन चलाने की अनुमति देने को लेकर पत्र लिखा था, जिसमें उन्हें दोषी पाते हुए अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की है। ऑटो टिपर घोटाले में अनुशंसा किया गया है, जो नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा, इस बारे में क्या कहेंगे? तो आपके द्वारा अभी हमको ये पत्र मिला है और हम पत्र देख रहे हैं, लेकिन ऐसा इसमें तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी है इसमें हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसमें हम कहीं से दोषी नहीं, सब जानता, पूरा शहर जानता है कि मैं इस प्रकरण में कहीं नहीं हूँ, और ये अभी जानते हैं घोटाला हुआ ही नहीं है, है ना, और देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। आपके नगर विकास विभाग के को जो सूचित किया गया है उसके द्वारा जो लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति आपको लग रही है कि? इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, आपके द्वारा पत्र आया है, हम देख लेते हैं इसको क्या है, लेकिन पूरा शहर जानता है इसमें हम कहीं नहीं है, इसमें न उसके हम टेंडर प्रक्रिया में कहीं है, न उसके क्रय समिति में है, उसमें हम कहीं नहीं है। मात्र मेरा 3 साइन है, एक अस्थायी समिति की बैठक की है उसमें, एक उसको बोर्ड में लेगा सो, एक भुगतान का जो प्रक्रिया जो नगर द्वारा भेजा गया हुई, और कुछ नहीं है, और कहीं चौथा साइन कहीं होगा तो मैं इस्तीफा देना तैयार हूँ। चलिए, अपना से सिपाही हैं हम भी, नगर निगम में पार्षद रह चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी में 5 साल लगातार रह चुके हैं। हम लोग के समय के जो मेयर थे माननीय वर्षा सिंह जी, उन समय सभी समय में जो शहर का विकास हुआ वो आज आप लोग को भी देखने को मिलता होगा कि हमारे ये नए महापौर के आने से किस तरह विकास हुआ, किस तरह स्मार्ट सिटी के भी काम में या रोरा बनने का काम करते हैं, हर बात में अपने आप को नगर निगम का मालिक कहते हैं, तो मालिक वो हैं, तो षड्यंत्र हम छोटा आदमी कैसे कर सकते हैं, और कभी पदाधिकारी से उलझ जाते हैं, कभी नगर आयुक्त से उलझ जाते हैं, हमेशा कभी कहते हैं हमारे रूम में टीवी लगाई जाए, तो हमारे कार्यालय में फ्रिज लगाई जाए, तो इस छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा वो नगर निगम के पदाधिकारियों से, चाहे कोई भी नगर आयुक्त आए हों, हमारे महापौर के इस कार्यकाल को देखा जाएगा, तो जब से ज्वाइन किए हैं और तब से जितने भी नगर आयुक्त हैं किन्हीं से इनका मैंने सीधा नहीं बात रहा, हर हमेशा ये नगर आयुक्त को गलत ही कहते रहे और विकास के काम को रोकते रहे, और उस हालात में हम लोग पर आरोप लगाते हैं, तो आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे आदमी को पद पे बने रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वह अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए ही तत्काल अपने आप को निर्दोष अगर कहते हैं तो तत्काल वह पद पर से इस्तीफा देते हुए न्यायालय की शरण में जाएं और आत्मसमर्पण करें, निर्दोष होगी तो निश्चित रूप से कानून उनको निर्दोष साबित करेगा। जनता के बीच आप लोग कैसे मुंह दिखा रहे हैं, जनता के बीच कि आपके परिवार का मुखिया ही चोर है? बस वही, हम लोग तो लज्जित हैं, इतना लज्जित हैं कि मुजफ्फरपुर के मैंने सर नहीं, हम लोग का कमर भी अब झुक गया है कि हम कैसे लोगों के सामने जाएंगे और कैसे भरोसा दिलाएंगे कि नहीं हम लोग शहर का विकास करेंगे, शहर का विकास करते हैं, क्योंकि यह तो सीधा सा पैसे का मामला आ रहा है कि इन्होंने पैसा लेकर के गलत आदमी को टिपर दवा दिया, भुगतान करा दिया, भुगतान की प्रक्रिया नगर आयुक्त के द्वारा की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा नगर आयुक्त से फाइल मांगते रहते हैं कि लाइए हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, निश्चित रूप से उनका निजी स्वार्थ रहता है, इसी कारण से वो आप तो अधिवक्ता भी हैं, कानूनी रूप से तो निश्चित रूप से इनको चार्जशीट तो अब न्यायालय में समर्पित किया जाएगा, और तब तक अगर यह बिल नहीं लेते हैं तो इनको गिरफ्तारी होगी, इनके घर की कुर्की जब्ती होगी, जो हम लोग के लिए और भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा, इसलिए हम उनसे अपील करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग की इज्जत बचाने के लिए वह अपना पद त्यागते हुए न्यायालय में आत्मसमर्पण। दुर्भाग्य की बात है, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद से लेकर अब तो जब से नगर पालिका हो या नगर निगम का जब से गठन किया गया, ये आज पहली बार मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है कि पहली बार किसी मेयर के विरुद्ध जो है अभियोजन के लिए सरकार के द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की गई है, और अब उन पर चार्जशीट जो है विजिलेंस करेगी, तो बहुत ही दुर्भाग्य है, शर्म की बात है मुजफ्फरपुर के लिए,
कि एक कोई दूसरा मामला नहीं, ये तो क्या कहते हैं टिपर घोटाला, मतलब लेन देन का मामला। ये बहुत ही दुर्भाग्य, हम पार्षदों के लिए दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति को चुना। मुजफ्फरपुर जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है, निगम के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मेयर जो है हम लोग को मिला। हम व्यक्तिगत ही नहीं, मुजफ्फरपुर के जनहित के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये महापौर सुरेश कुमार, अगर उसमें थोड़ी सी भी नैतिकता अगर होगी तो वो इस्तीफा दे देंगे, और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा अगर वो नहीं देते हैं तो मजबूरन होकर हम लोग को जो है उनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन या पुतला दहन, जो भी सांकेतिक और जो प्रजातांत्रिक ढंग से जो आंदोलन होते हैं वो भी हम लोग करने का काम करेंगे, और मीडिया के माध्यम से हम बिहार सरकार के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम निवेदन करेंगे कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 25 के 5 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कोई भी मुख्य पार्षद अगर किसी अपराध में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें पद से मुक्त करने का जो है, पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। तो हम चाहेंगे मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय मंत्री से कि इन्हें पद से हटाया जाए और मुजफ्फरपुर को अपराध मुक्त जो है, निगम को अपराध मुक्त जो है बनाया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। संजय जी बोला फंसाया गया ये सारा षड्यंत्र को, तो बड़ी आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठने के बाद वो विजिलेंस विभाग जो कि बिहार सरकार की एक सर्व मतलब जैसे कालिक टीम कही जाती है, जो भ्रष्टाचार विरोधी में फंसे हुए लोगों का मतलब खोज करती है, उनको अंजाम तक पहुंचाती है, तो इसका मतलब कि वो अगर ये बात कह रहे हैं तो मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने विजिलेंस विभाग को कटघरे में कर दिया है, मुझे तो यही लगता है। और अगर उनकी संलिप्तता नहीं है, स्पष्ट चिट्ठी में आदेश मतलब लिखा हुआ है कि प्रथम दृष्टया में ही, एक होता कि डायरी लिखने के बाद जांच के बाद 6 महीना साल भर 2 साल के बाद वो अगर आते हैं तो एक बात समझ में आती है, प्रथम दृष्टया में ही उनको जो है आरोपी बना लिया गया था, और फिर उसके बाद चार्जशीट दाखिल करने के लिए आज नगर विकास विभाग से जो चिट्ठी निर्गत हुई है उसके बाद अगर वो कहते हैं, मुझे तो ये हास्यपद लगता है। मुजफ्फरपुर की धरती का इतिहास नहीं मालूम है, बिहार के मुखिया का इतिहास उनको नहीं मालूम है कि यहाँ के एक जनप्रतिनिधि जॉर्ज फर्नांडिस भी फंसे थे, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे फंसे थे, तुरंत इस्तीफा दिया था। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब फंसे थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। हमें तो शर्म महसूस होती है कि वो कह रहे हैं कि साजिश के तहत फंसाया गया, इसका मतलब क्या निगरानी विभाग भी किसी साजिश के तहत चलता है क्या? और उनका हस्ताक्षर फाइल पे जो कर दिया गया जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो वो साइन भी क्या साजिश के तहत किसी ने कर दिया क्या? तो भारी विडंबना लगती है, ये उनका बयान ही हमें हास्यपद लगता है। शायद इंडिया का कि जैसे वो महापौर होते हुए और उनके ऊपर इल्जाम लगने के बाद वो पद पे बैठे हुए हैं, हम लोग उस पद से कोसों दूर हैं, एक आम पार्षद हैं, आज हमारी नजर अपने वार्ड में चलने के दरमियान शर्म से झुकी हुई है। चूंकि लोग तो ये कहते हैं ना कि महापौर सुरेश कुमार के बोर्ड की टीम है, हम 49 वार्ड पार्षद के वो मुखिया हैं, हमें शर्म आज महसूस हो रही है, हम आपसे नजर मिला रहे हैं। 49 में से सिर्फ 7 पार्षदों को ही शर्म आ रही है। इसके लिए मैं आपको इतना ही कहूंगा, सभी अलग अलग दुखी हैं, लेकिन बोलने की क्षमता, एक सच्चाई को बयान करने की ताकत वो प्रभु देता है। ये धरती बाबा गरीबनाथ दाता कमल शाह की धरती है, हम विश्वास करते हैं, उन लोगों से भी मांगते हैं कि वो आशीर्वाद सभी 48 पार्षद को दें कि सत्य बोलने की उनके अंदर भी क्षमता है। सभी दुखी होंगे इस बात से, चूंकि परिवार का एक मुखिया जब गलत काम में लिप्त पाया जाता है पूरा परिवार कसूरवार ठहराया जाता है। तो हमारा निगम परिवार का वो मुखिया आज अपने गलत किर से गलत काम में फंस चुका है, बुरी कदर, उसके बाद वो कह रहा है कि साजिशन फंसाया गया। मैं तो इस विषय पे इतना ही कहूँगा कि उस साजिश का भी पर्दाफाश हो, उनको तो इस काम में आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए और न्यायालय के शरण में अपने आप को समर्पित करके उनको कहना चाहिए कि हमको साजिश के तहत फंसाया गया है। हम लोग भी गर्व से सीना चौड़ा करके कह सके कि नहीं, हमारा महापौर चोर नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।